रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे को कब तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? जो भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाया जाए, इसको बनाने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने 2030 तक। कब तक की है? 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। अच्छा, बात अगर हम भारतीय रेलवे की करें, यानी कि इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें, तो इस वर्तमान में अगर हमारे पूछा जाए कि आपसे रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। और स्थापना हुई थी भारतीय रेलवे की 16 अप्रैल 1853 में। यहाँ से एक विशेष बात आपको याद रखनी है, भारतीय रेलवे की स्थापना आज़ादी से पहले ही हो चुकी थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में रेल भवन में इसका हेडक्वार्टर है, रेल भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। परीक्षा के अंदर आपको इसी प्रकार से जो विकल्प मिलते हैं, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो उसके अंदर नई दिल्ली आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर रेलवे से संबंधित एक और बात विशेष रूप से याद रखनी है, रेलवे जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो किसी राज्य के अधीन कार्य नहीं करता। रेल के अंदर भर्ती प्रक्रिया हो या फिर कोई ट्रांसफर प्रक्रिया हो, किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया हो, समस्त प्रक्रिया यानी कि पूर्ण रूप से जो रेलवे होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र में किसी पार्टी की सरकार बन रही हो, कुछ भी हो रहा, हमेशा ये केंद्र के हाथ में ही रहता है। और एक बात और इसमें है कि रेलवे जो होता है राज्यों के अनुसार नहीं, बल्कि इसको जोन के अंदर बांटा जाता है, विभिन्न जोन के अंदर। इसको राज्यों को देखकर नहीं होता, इसके अंदर जो कार्य, इसके अंदर जो जितनी भी क्रियाविधि होती है, जितने भी कार्य होता है, सब जोन के अनुसार होता है। इसको विभिन्न जोन के अंदर बांटा गया, जैसे दिल्ली जोन हो गया, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इस प्रकार पूरे देश के अंदर इसको अलग अलग जोन के अंदर बांटा गया है। तो इस बात को आपको भारतीय रेलवे के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान जाहिर किया है? यानी कि उद्योग मंडल फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2021 जो है उसके अंदर भारत की जो सालाना जीडीपी होती है उसके अंदर किसकी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 4.5%, यानी कि 4.5% का इसके अंदर अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है RIL? तो ये बन गई है 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है RIL। तो RIL की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और पूछा जाए कि RIL है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही बात हो रही है। इसका ही पूरा नाम, इसका दूसरा नाम RIL है। इसको विस्तार से अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और शॉर्ट में RIL इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान ने किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ईरान ने बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना जो थी उसमें समझौता था, उससे भारत को बाहर कर दिया है। लगभग 4 साल पहले, जब लगभग 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, हमारे भारत देश के, वो ईरान की यात्रा पर गए थे, तो ईरान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था चाबहार रेल परियोजना का। अब क्या है कि भारत की ओर से कोई फंडिंग जारी नहीं की गई है, ईरान ने इसी बात को लेकर अपनी नाराज़गी जताई है। उसने कहा कि भारत अपनी ओर से कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, और ईरान इसका अपनी ओर से कार्य पूरा भी कर चुका था आधा लगभग, तो ईरान ने इसको पूरा करने का खुद ही फैसला किया, यानी कि ईरान इससे पूरी प्रक्रिया को, पूरा जो चल रहा है, जो योजना है, इसे पूरी खुद ही पूरी करेगा ईरान। बात ईरान की करें तो राजधानी यहाँ की तेहरान है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है। अब अशोक कुमार किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? यानी कि अशोक कुमार एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, कौन से खेल के? ये हॉकी के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनको अभी अशोक कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा जो अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान की जो चलाया गया था, जिसकी शुरुआत की गई है, उसके अंदर किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? तो इसके अंदर शिरकत की है अमित शाह ने। अमित शाह के बारे में अगर आपको बताएं तो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं अमित शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल के सीईओ ने, यह सीईओ जो होता है उनको कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। गूगल के सीईओ ने भारत में आगामी 5-7 वर्षों में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो निवेश किया जाएगा लगभग 5-7 वर्षों के बीच में, ठीक है। 5-7 वर्षों में लगभग गूगल जो है भारत के अंदर कितना करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये जो गूगल के सीईओ ने घोषणा की है, भारत के अंदर निवेश करेगा 75,000 करोड़ का। कितना करेगा? 75,000 करोड़ का भारत के अंदर निवेश करेगा। और ये निवेश क्यों करने जा रहा है गूगल ऐसा कर क्यों रहा है?
तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उसके प्रोत्साहन हेतु गूगल ने यह कदम उठाया है और इससे दोनों को लाभ होगा। बात अगर हम गूगल की करें तो गूगल के CEO कौन है, तो वह हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। गूगल की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें गूगल की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। वही मैं आपको भी बताना चाह रहा था, CEO ये क्या होता है, CEO होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनको हिंदी में कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करें गूगल के, तो मेनलो पार्क है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उसके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। तो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना हुआ है वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान? यह बना हुआ है अमेरिका। कौन बना हुआ है? अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC। क्या है? वाशिंगटन DC राजधानी है अमेरिका की और राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। आपको एक बार और यहाँ से बात बताते चले अमेरिका के बारे में, अमेरिका भी चर्चा में रहा है क्योंकि अमेरिका ने वो से अपना आधिकारिक रूप से नाता तोड़ लिया है, इसने घोषणा की थी पहले, नाता भी तोड़ लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया भी था, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स के साथ में डेली जुड़े हुए होंगे, उसको डेली देखते होंगे, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो ब्रिटेन के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है भारत। कौन बना है सबसे बड़ा FDI के लिए? सबसे बड़ा स्रोत बना है भारत। बात अगर ब्रिटेन की करें तो लंदन यहाँ की राजधानी है और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया है? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम के अंदर। कहाँ पर देखा गया है? असम के अंदर देखा गया है, यानी कि जो एकमात्र गोल्डन बाग है अब उसको देखा गया है असम के अंदर। आप यहाँ पर बाग आया है, गोल्डन बाग के मैंने बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बात विशेष रूप से जानिएगा, जो मैंने आपको परसों के करंट अफेयर्स के अंदर कराया था और उसके ऊपर कल अलग से आपके विश्लेषण की क्लास भी ली थी, जो आपके लिए फॉर UPSC SSC रेलवे या आपका PCS जो भी एग्ज़ाम है आपका, जो बड़े आपके एग्ज़ाम है, छोटे एग्ज़ाम के अंदर तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, लेकिन बड़े एग्ज़ाम के अंदर उनको विस्तार से पूछा जाता है, जो इस तरह के तथ्य होते हैं, इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के समाचार होते हैं। भारत ने बाघों की जो बाघ हैं, गोल्डन बाघ नहीं, जो बाघ हैं सामान्य बाघ, उनकी गिनती के अंदर, उनकी जो गणना हुई है, तो उसके अंदर भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जगह बनाई है। भारत के अंदर लगभग दुनिया के 75% से 75% बाघ मौजूद हैं, पाए गए हैं भारत के अंदर। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है और इससे कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो उसका जो विश्लेषण है वो आप देखना ना भूलें, उसको जरूर देख लें। इससे जो पहला वीडियो है वो करंट अफेयर का, उससे पहला जो वीडियो है वो उसी का है, आप चैनल पर जाएंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बात असम की करें, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन बाग को देखा गया है, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं। कौन है? जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, ये आपको बात याद रखनी है, चर्चित एक राष्ट्रीय उद्यान है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे पूरी पूरी संभावना है कि आगे भी क्वेश्चन आएगा, इसी के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के अंदर ही एकमात्र गोल्डन बाघ को देखा गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन बाघ को कहाँ पर देखा गया है, मात्र यही नहीं कि आपको असम विकल्प मिलेगा या भारत विकल्प मिलेगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि गोल्डन बाघ को कहाँ पर देखा गया है, उसके अंदर आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी उसमें एक विकल्प में हो, अन्य पार्कों के नाम दे दें, अन्य जो उद्यान है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं से भी आपको किसी भी तरह से घुमा कर भी आपसे पूछा जा सकता है। काजीरंगा अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि जिस जहाँ पर गोल्डन बाघ को देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, हो सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम न दे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन बाघ को देखा गया है उस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, वहाँ पर आपको विकल्प भी नहीं, उसका नाम भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना है 1908 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पाकिस्तान के PIA पर प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान के PIA का एक मनोरंजनात्मक किस्सा है, इससे मस्ती वाला किस्सा है, फंसेंगे भी और आप सोचेंगे कि इस देश की कहानी चल कैसे रही थी। हमारा मकसद किसी देश का कोई मजाक उड़ाना नहीं है यहाँ पर, ना ही किसी की भावनाओं का आघात करने से है, लेकिन आप सुन के आश्चर्य में जाएंगे और नॉलेज वाला क्वेश्चन तो ही। तो पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है PIA पर, बताएंगे आपको अभी इसके बारे में। तो PIA पर, पाकिस्तान के जो PIA है उस पर प्रतिबंध लगा है अमेरिका ने। इससे पहले एक और देश भी प्रतिबंध लगा चुका है,
बात यहाँ पर अमेरिका किस लिए नहीं कर रहा, अमेरिका के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मुख्य यहाँ कोर्ट जहाँ की राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। तो बात पाकिस्तान की ही कर लेते हैं, राजधानी यहाँ के इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, ठीक है। पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान। बात कर रहे हैं वह PIA के बारे में, उसका प्रकरण क्या है, चर्चित प्रकरण रहा है अभी, और इस पर प्रतिबंध लगा क्यों है। आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी लगभग एक महीने पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक महीने से लगभग ज़्यादा समय हो गया है, पाकिस्तान के कराची में जो प्लेन था वो क्रैश हो जाता है, और उसका जो उसको बार बार संकेत दिया जाता है कि आप इसको ज़्यादा नीचे उड़ा रहे हैं, इसको संभाल लीजिए, तो पायलट कहता है कि मैं इसको खुद हैंडल कर लूँगा, इनके संभाल लूँगा। तो वहाँ पर पाकिस्तान में चल क्या रहा था, जिस प्रकार से सभी देशों के अंदर चलता है, अधिकतर आजकल फर्जीवाड़ा चल रहा है, सभी के देशों की बात नहीं लेकिन अधिकतर की बात है कि ठेका देकर पास होना और फर्जी डिग्री बनवा लेना, फर्जी डिप्लोमा लेना, तो वही चल रहा था PIA के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर जो पायलट आते हैं। ये भी आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए PIA का पूरा नाम क्या है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसका पूरा नाम है, और मुख्यालय इसका कराची में है, कराची जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर जो अधिकतर पायलट थे, अधिकतर की बात हो रही है, वो फर्जी डिग्री वाले थे, यानी कि फर्जी डिग्री भी अगर हम कहें तो वो बिना परीक्षा दिए ही भर्ती हो गए थे, ऐसे पायलट थे। अब ऐसे पायलट से सभी को खतरा है, इतने यात्रियों की प्रतिदिन वो यात्रा करते हैं और उनकी उड़ान माँ के पायलट उड़ाते हैं सभी देशों के अंदर, पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों का आना जाना भी है, तो इसलिए पहले एक अन्य देश ने प्रतिबंध लगाया, अब दूसरे देश ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे जो पहले अमेरिका से पहले जिस देश ने प्रतिबंध लगाया था वो एक मुस्लिम देश ही है, वो जिसने प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा दिया है, यानी कि उनकी जो जो एयरलाइंस के जो हवाई जहाज हैं वहाँ के वो उस देश के अंदर नहीं जा सकते। पाकिस्तान अब इसके अंदर सुधार करने की अपने आप बात भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजी भारतीय चैनलों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो निजी जो भारतीय चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है नेपाल ने, जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन पर, सरकारी पर नहीं, प्राइवेट चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल ने लगाया है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, प्रधानमंत्री यहाँ के KP शर्मा ओली हैं, और अगर करेंसी की पूछा जाए आपसे नेपाल की करेंसी क्या है, क्योंकि पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा हमारा करीबी और पड़ोसी देश है, और किसी भी अन्य देश की भी पूछी जा सकती है, नेपाल की खासकर मैंने आपको कल भी बताया था, चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, जो आसपास के लगने वाले देश हैं, अफगानिस्तान है, तो इनका अधिकतर आपसे पूछने की संभावना बनी रहती है। तो नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और कोशिश क्या करें कि आप जो वीडियो देखें तो डाउनलोड करके नहीं बल्कि ऑनलाइन देखने का प्रयास करें, उसके अंदर आपका ज़्यादा जो सीख वो बिल्कुल आपके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप डाउनलोड उस समय करें क्योंकि जब आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डाउनलोड करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं कि मेरे पास डाउनलोड हो गई है, ऑफलाइन में सेव हो गई, मैं इसको बाद में कर लूँगा, फिर उनका वो जो बाद वाली जो उनकी कल होती है वो कभी नहीं आती। इसलिए प्रयास करेंगे डाउनलोड ना करके इसको आप ऑनलाइन देखने का ही प्रयास करें। और प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता गड्ढा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय जो ऑल वाला बटन होता है, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, ऑल वाले बटन पर प्रेस ज़रूर कर दें। उससे आपका क्या फ़ायदा होता है, आपको हर चैनल की नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुंच जाती है, अन्यथा आप मात्र सब्सक्राइब कर दें उसके नहीं पहुंचती है। तो पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें।